झारखंड में कनकनी वाली ठंड में बढ़ोतरी हुई है। शाम के समय तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी भरा ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया है कि 3 दिसंबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अंडमान सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और एक चक्रवात का रूप धारण करेगी। 4 दिसंबर को उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा तट के पास टकराने की संभावना है और इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है 29.3 डिग्री सेल्सियस, और जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो रामगढ़ के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया 10 डिग्री सेल्सियस। और मुख्य शहरों के मिनिमम टेम्परेचर की बारे में बात करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में जो मिनिमम टेम्परेचर है न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डाल्टनगंज में 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चाईबासा में 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देवघर में 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और 3 तारीख से है मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन इसलिए देखने को मिल रहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो कि मध्य भाग में अंडमान सागर में बना हुआ है, और जो इसका मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, मतलब पश्चिम और उत्तर पश्चिम इसका मूवमेंट हो रहा है। और कल ये और इंटेंसीफाई होते हुए कल डिप्रेशन बनेगा और आगे बढ़ता हुआ और इंटेंसीफाई होते हुए इसके साइक्लोन बनने की भी संभावना जताई जा रही है।